हाँ तो उसी पे निकाल लो वो जो टेबल थी, इसको करके फिर इसको आज कंप्लीट करते हैं अपन सब्सक्रिप्शन को। कल मैं तुमको स्टॉक की वैल्यूएशन वगैरह सारी चीजें देख सिखाऊंगा। दोबारा वही टेबल निकाल लो, एडलेस वाली निकाल ली ना। अब देखो सीधा सिंपल सा, और एक बहुत विशेष बात ध्यान रखना, मैंने वो वीडियो बनाया था वो देखा कि नहीं देखा तुमने, वो जिसमें मैंने आंसर शीट का रिव्यू किया है, मैंने बोर्ड के टॉपर की जो आंसर शीट है उसका रिव्यू करके एक वीडियो बना रखा है मैंने, वो जरूर देखना। उसमें मैंने बताया है कि एग्जाम में अपन को कौन कौन सी बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है, और खासतौर से अकाउंटेंसी की कॉपी को रिव्यू किया है मैंने। तो उसमें जो मेन पॉइंट था ना वो यही था कि जैसे इस बुक में देखो, अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग डाल के कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, तो ऐसे अपन को हेडिंग डालनी है, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और तरीके से क्वेश्चन करके आना है। ऐसा नहीं कि सीधे ही अपन ने लिखना शुरू कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा नहीं करना अपन को तरीके से। अच्छा, 1 मिनट अपने एक्स्ट्रा खर्च हो जाए लेकिन जो काम करो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नहीं तो अपना क्वेश्चन सही होते हुए भी अपन को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात है, बताओ समझ में आई कि नहीं आई। चलो तो अब इस पे चलो आगे देखो। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये अपन लिखते हैं, और फिर यहां पे लिखते हैं करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्यों ऐड करते हैं पहले तो ये बताओ, मतलब जो चीजें ऐड हो रही हैं वो क्यों ऐड हो रही हैं, और जो चीजें लेस हो रही हैं वो क्यों लेस हो रही है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? रटना नहीं है अपन को कि भाई ये सीर सर ने बताई थी इनको तो ऐड कर दो और इनको लेस कर दो। कंसेप्ट समझ में आया इनके पीछे का, क्या कंसेप्ट है बताओ? नहीं रिलेटेड नहीं, मतलब एक चीज अपन को ध्यान में रखनी होती है कि इन, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पिछले साल का एडवांस एक 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 आइटम याद नहीं रखनी, एक ही बार में अपन को कंक्लूजन निकलना चाहिए। मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि कोई भी अपन ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाना है। हमारा मोटिव क्या है कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते ही क्यों अपन, जिससे इस साल का और ईयर से हमको मतलब नहीं है, केवल इस साल मेरी कितनी इनकम हो रही है और इस साल मेरे कितने एक्सपेंडिचर हुए, ये बात मेरे को अच्छे से पता लग जाए। इस बात को जानने के लिए अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। क्लियर है बात पहली बात तो? अब सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, इनकम होती है क्या एक्सपेंडिचर होती है? इनकम होती है, वेरी गुड। तो अब हमको इनकम का पता लगे कि हमारी एक्चुअल इनकम कितनी थी, तो अब क्वेश्चन में जो रिसिप्ट अकाउंट होता है उसमें तो ये बताता कि हमें टोटल रिसीव हुआ कितना, वो तो क्या बताता हमको कि हमको टोटल रिसीव हुआ कितना। ठीक है भाई, उसका रिसीव देख लिया अपन ने कि इतना रिसीव हुआ, लेकिन उस रिसीव में ये भी तो हो सकता है कि कुछ पिछले साल का अमाउंट पड़ा हुआ हो, कुछ नेक्स्ट ईयर का अपन को एडवांस मिल गया हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपन को ये ध्यान रखना होता है कि टोटल रिसीव में इस साल का कितना है। ऐसा चीज जो इस साल मिला या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है, इस साल का था या नहीं था इससे भी कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना वो इस साल काम आया या नहीं आया, उसका संबंध इस साल से था कि नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें देखो दो चीजें ऐड हो रही है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल का बकाया, वैसे मिला तो नहीं है ये, लेकिन किस किस ईयर से रिलेटेड है ये? करंट ईयर से रिलेटेड है और इस साल का बकाया है। अपना अधिकार था कि अपन को सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, लेकिन बेचारा सब्सक्रिप्शन अपन को मिला नहीं, तो इस वजह से हमने उसको इस साल में ऐड कर दिया, तभी तो अपनी इस साल की इनकम निकल के आएगी। दूसरा देखो क्या ऐड किया, एक और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस था सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो रिलेटेड किससे था? करंट ईयर से रिलेटेड था ना, और जो भी चीज करंट ईयर से रिलेटेड होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था पिछले साल मिला था लेकिन था इस साल का, तो उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो लेस क्या क्या किया, लेस की बारी आ गई, कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेटेड ड्यूरिंग द रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, रिसीव भले ही इस साल हुआ हो लेकिन रिलेटेड तो किससे था, वो प्रीवियस ईयर से था, तो इस साल क्या हो गया, लेस हो गया। देखो इस साल क्या हो गया, लेस हो गया। दूसरा देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ये जो रिलेटेड वर्ड है ना ये याद रख लो बस, जिस जिसमें ये आ रहा होगा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर उस सबको तो लेस कर देंगे, और जहां जहां पे ये आ रहा होगा रिलेटेड टू करंट ईयर उस सबको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे आ रहा था करंट ईयर, यहाँ पे भी आया करंट ईयर, तो जहां पे करंट ईयर वर्ड आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना, करंट ईयर ऐसा देखो रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या था, पिछले साल का था ये प्रीवियस ईयर का। तो एक लाइन में बात ये समझ लो कि जो भी चीज करंट ईयर की इनकम को अफेक्ट करती है उस सब चीजों को हमको ऐड या लेस करना होता है। किसी करंट ईयर की इनकम किसी चीज से बढ़ रही है तो उसको ऐड कर दो, और करंट ईयर की इनकम किसी चीज से घट रही है तो उसको सिंपली लेस कर दो। समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट? तो चलो आज इसी नोट पर अपन इसको, ये वाला जो अपना टॉपिक है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन का, इसको अपन कंप्लीट करते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ आ गया ना सब। अब कल अपन दो चीजें क्लियर कर लेंगे इसकी, दो चीजें कौन कौन सी है, एक तो है अपना कि
स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और जितने भी क्लब होते हैं ना, तुमने नाम सुना होगा क्रिकेट क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, मेडिकल क्लब, तो इन ये जितने भी क्लब होते हैं इन सारे क्लबों को अपन किस तरह से इनकी अकाउंटिंग होगी, इनकी जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है या इनका जो स्टॉक अमाउंट है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, कंसेप्ट उसमें भी यही है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो उसको अपन समझेंगे। क्लियर है बात? चलो दोस्तों।